सूर्यनगरी में लगातार चौथे दिन एक और कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। इस तरह अब तक तीन महिलाओं सहित सात कोरोना रोगियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को बंबा मोहल्ला निवासी 7 वर्षीय वृद्ध अब्दुल गनी की मौत हुई। अब्दुल गनी पिछले लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वो कोरोना पॉजिटिव था। वृद्ध की मौत के बाद उसके रहवासी क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया, साथ ही पूरे क्षेत्र में सघन जांच अभियान शुरू किया गया। मृतक वृद्ध के संपर्क में रहने वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जोधपुर में अभी तक हुई मौतों के मामले में मरीजों ने अपनी पुरानी बीमारी छुपा रखी थी। यही कारण है कि इनकी रिपोर्ट में देरी हुई और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कुछ घंटों बाद ही इनकी मौत हो गई। गत 8 अप्रैल को जोधपुर में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी। इसके बाद 16 अप्रैल को दूसरी मौत हुई थी। 25 अप्रैल को एम्स में भर्ती मोहनपुरा पुलिया निवासी ने दम तोड़ा। वहीं पिछले 4 दिनों में 4 मौतें हो चुकी हैं।